जी कहिए, किससे मिलना है? रॉनी साहब को बोलो सीआईडी वाले आए। ठीक है। सोमवार की रात को विवेक का खून हो गया और हमें तुम पे शक है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? भला मैं विवेक का खून क्यों करने लगा? अब इस क्यों का जवाब तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। मैं विवेक के खून के बारे में कुछ नहीं जानता, ये तो अभी अभी आप लोगों ने बताया, वो मैं जानता हूँ। देखो, ज्यादा भोलेपन का नाटक मत करो, साफ साफ बताओ विवेक को क्यों मारा तुमने? पर मैंने विवेक का खून नहीं किया है और वैसे भी उसके घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड थे, तो कोई कैसे उसके घर में घुसकर मार सकता है? सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें कोई दिखाई नहीं। क्या मतलब? मतलब यह है कि एक ना दिखने वाला इंसान विवेक के घर में आया और उसने लाइट के जंक्शन बॉक्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की, जिससे लाइट चली गई। सर, लाइट चली गई? मैं पता लगाता हूँ। नहीं मिस्टर रॉनी, आप बाहर नहीं जाएंगे, अभी तो रुकिए, आपकी जान को खतरा है। ये वही खूनी हो सकता है। सिक्योरिटी! रॉनी, आप हिलना मत। जी सिक्योरिटी! कौन है उधर? सर! ए! सर! यहाँ पे? ए, कौन है? कोई था यहाँ पे? कौन है? कोई दिखा? नहीं। रॉनी हिलना मत। सिक्योरिटी लाइट ऑन कराओ। मैं भाग जाता हूँ। देखो। Oh no. पंकज! वीना, आज दिन भर सिर्फ काम काम और काम ही रहा है। शरीर भी थक गया है, पूरी बॉडी दर्द दे रही है। विवेक, 24 घंटे सोचोगे तो बॉडी तो पेन होगा ना। अब इतना बड़ा बिजनेस करना है तो सोचना तो पड़ेगा ही ना। थोड़ा सोच समझ के काम करोगे तो दिमाग पे प्रेशर कम पड़ेगा ना। ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है जो चुटकी बजाते ही काम शुरू हो जाए और चुटकी बजाते ही खेल खत्म। समझ रही हो? ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं लोकेश को बुलाती हूँ, वो तुम्हारी मालिश कर देगा अच्छे से। ठीक है? मालिश नहीं, बस गर्मा गर्म एक गिलास दूध मेरे लिए लेकर आ जाओ ताकि सारी थकान दूर हो जाए। अच्छा, तो अभी लेके आए प्लीज। थैंक यू। सही लगे वो सब करो, तुम्हें पूरी छूट है, मगर उसको फिक्स कर दो। आप चिंता मत करो साहब, वो तैयार हो जाएगा। उसको तैयार करना मेरे बाएं हाथ का काम है। गुड। ये लाइट्स को क्या हो गया? वीना, वीना तुम हो? वीना तुम बोलती क्यों नहीं? ये लाइट्स कैसे चली गई? लोकेश, वीना, कौन है यहाँ पे? वीना मजाक मत करो, देखो देखो मैं अंधेरे से नहीं डरता। विवेक साहब, विवेक साहब, विवेक साहब। लोकेश, वीना, लोकेश जल्दी आओ, कोई है कमरे में। विवेक साहब, विवेक साहब दरवाजा खोलिए। विवेक साहब, विवेक साहब, विवेक साहब मार्किन, विवेक साहब, विवेक साहब, विवेक साहब। लगता है कई बार चाकू से वार किया है। ये देखिए, कटने का और चाकू घोंपने का निशान है। घाव के पैटर्न देख के लगता है कि घाव चाकू के नहीं है, किसी और चीज से खून किया गया है। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? ये देखो, ये जो घाव के पैटर्न देख रहे हो एकदम बराबर बराबर है, एक ही साइज के, और ये ज़्यादा गहरे नहीं है। तो चाकू का घाव होता तो बड़ा होता, गहरा होता, और ऐसे पैटर्न में नहीं बनता। मतलब सर चाकू जैसा ये कोई छोटा हथियार है और उसे बार बार मार के खून किया। लगता तो ऐसा ही है। आप कहाँ थे आप जब ये खून? साहब मैं नीचे अपने कमरे में था, जब विवेक साहब की चीखने की आवाज सुनी तो मैं दौड़ के ऊपर आया। साहब मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। विवेक साहब अंदर से जोर से चिल्ला रहे, इसलिए मैं दरवाजा तोड़ के अंदर गया और मैंने देखा। दौड़ के अंदर आए तो आपने खूनी को नहीं देखा है? यही तो अजीब है साहब, खूनी दिखा ही नहीं। दरवाजा बंद था अंदर से? हाँ साहब। तुम अंदर आए तो यहाँ पे लाइट थी? साहब उस वक्त लाइट नहीं थी, जब दरवाजा खोल के अंदर आया तो लाइट आ गई। कमाल है सर, ये कैसा खूनी है जो लाइट में भी नहीं दिखा? कल ये आत्मा? ये भी तो हो सकता है कि जब कमरे में अंधेरा था उसी वक्त खूनी दरवाजे बाहर गया। साहब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। साहब अगर खूनी दरवाजे से अंधेरे में भी गया होता तो मुझे जरूर दिखा होता। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है साहब। कमरे से बाहर जाने का और कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है। वही तो, कमरे से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, वो है ये दरवाजा। दरवाजा अंदर से बंद था और लोकेश ने ये दरवाजा खोला और इसने तो यहाँ पे खूनी को देखा नहीं। कमाल है। क्योंकि अंदर से बंद है, यहाँ से तो खूनी आ नहीं सकता। तो खूनी अंदर कैसे आया और फिर बाहर जाते हुए किसी को दिखा नहीं? सर मेरी दादी एक भूतिया कहानी सुनाती थी। पंकज एक तो ये कहानी नहीं है, हकीकत है, और ये भूतिया नहीं है। सर ये हकीकत है लेकिन भूतिया कोई यहाँ पर आता है, बिना हथियार के खून करता है और चले जाता है। कहाँ से जाने का तो यही एक रास्ता है, ये दरवाजा। लेकिन सर वीना तो सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी और अगर खूनी यहाँ से जाता तो उसे दिखता जरूर। कमाल है यार, ये लाइट का आना जाना इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस केस के साथ। लाइट का जंक्शन बॉक्स कहाँ पे है? सर यही जंक्शन बॉक्स है। इधर आ जाओ। कल तुम ही ड्यूटी पे थे? मैं तो गेट पे था साहब। तुम्हारे गेट पे रहते कोई घर में घुस के फोन कर गया, तुम्हें पता नहीं चला? देखिए साहब मैं अपनी ड्यूटी पे अलर्ट रहता हूँ, ना कोई अंदर आया है ना कोई बाहर गया है। अलर्ट? तो क्या खूनी हवा में आया, हवा में गायब हो गया? ये लाइट स्विच ऑफ किसने की थी यहाँ से? पता नहीं साहब, अचानक ऑफ हो गई। मैंने सोचा फ्यूज उड़ गया हो या कोई स्पार्क वार्क हुआ था जंक्शन बॉक्स में। नहीं साहब स्पार्क नहीं हुआ था, लाइट चली गई और जैसे लाइट चली गई मैं जंक्शन बॉक्स की तरफ दौड़ा। देखा बाकी सबके घर में लाइट है, हमारी क्यों नहीं? और देखा साहब जंक्शन बॉक्स खुला था, जंक्शन बॉक्स का स्विच भी बंद था और मैंने ऑन किया साहब, जैसे ही ऑन किया लाइट आ गई। कोई तो आया था यहाँ पे जिसने लाइट के साथ छेड़छाड़ की है। विवेक की बीवी वीना, उससे भी पूछ लेते हैं। हमें मालूम है ये बड़ा मुश्किल समय आपके लिए, पर हम लोग भी थोड़े हैरान हैं कि यहाँ पे सबके रहते हुए विवेक का खून हो जाता है और किसी ने भी खूनी को देखा नहीं। सर इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है, मैं खुद हैरान हूँ। खूनी कहाँ से हवा बनकर आया और कहाँ चला गया? मैं मेरे बच्चों को क्या जवाब दूंगी सर, उन पर क्या बीतेगी? हिम्मत रखो, समय के साथ साथ बच्चे भी समझ जाएंगे। आप कौन है? सर मैं विवेक का बिजनेस पार्टनर हूँ, मेरा नाम राकेश है और मैं अभी जापान से लौटा हूँ। किस सिलसिले में जापान गया था? सर एक बिजनेस के मामले में गया था। क्या बिजनेस क्या करते हैं? सर विवेक और राकेश एक जापान में ऑयल बेसिन का बिजनेस शुरू कर रहे थे, जापान की सी में। जॉइंट वेंचर था इंडिया और जापान में। दोस्त तो गया ही, पता नहीं अब कंपनी का क्या होगा? विवेक की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? या आजकल कुछ स्ट्रेस में हो, कोई धमकी भरे फोन, ऐसा कुछ? नहीं सर, कभी किसी की धमकी या फिर कुछ ऐसा उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो जापान की डील को लेकर काफी टेंशन में रहते थे। किस तरह की टेंशन? डील होगी भी या नहीं। लेकिन सर एक बात और थी। क्या? सर कुछ दिन पहले विवेक एक बहुत अजीब आदमी से मिले थे। अरे आप चिंता मत करो, आपने मुझ पर भरोसा किया, अपना वादा पूरा किया, अब मैं भी आपका वादा पूरा करूंगा। पुलिस को भनक भी नहीं होनी चाहिए। साहब पप्पन नाम हो, मुझ पर भरोसा है ना? विश्वास है, इसलिए काम दिया है तुम्हें। बस अब पप्पन का कमाल देखो। पप्पन, क्योंकि जैसा आपने बताया उससे तो यही लगता है कि ये पप्पन कोई पुराना मुजरिम है, और हर मुजरिम का रिकॉर्ड है हमारे पास। आप उसकी फोटो देखेंगे तो पहचान लेंगे? जी सर। ठीक है, फिर तो जल्दी इस पप्पन का पता चल जाएगा, और उसने क्या किया था वो भी। आप लोगों का शक एकदम सही है बस। ये खून चाकू से नहीं हुआ तो फिर किस हथियार से हुआ, जो कोई भी देख नहीं पाया? यहाँ तक कि लोकेश को भी वो हथियार दिखाई नहीं पड़ा। हाँ बॉस, हथियार भी नहीं नजर आया, और कमाल की बात है कि खूनी भी दिखाई नहीं दिया। ये तो पहली हो गई, खून हुआ, खूनी नजर नहीं आया। घाव चाकू जैसे हैं, लेकिन खून चाकू से नहीं हुआ। पहली तो है अभिजीत, और इस पहली को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। देखो बॉस, हम लोग आत्मा में तो विश्वास नहीं करते, लेकिन साइंस से कुछ भी किया जा सकता है, और मुझे लगता है किसी मॉडर्न साइंस की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है इस खून में। हाईटेक खूनी? हाईटेक ही हो सकता है, वरना ना दिखने वाले खूनी को लाइट्स ऑफ करने की क्या जरूरत है? माना कि खूनी हाईटेक है, मगर कहीं ना कहीं उंगलियों के निशान तो छोड़े होंगे ना उसने। बिल्कुल है। तो फिर सर, जो क्राइम सीन से हमने उंगलियों के निशान लाए थे, उनमें से एक निशान खूनी के भी होंगे। होने चाहिए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि है नहीं। आप लोग जो भी फिंगरप्रिंट्स लेके आए, उसमें सिर्फ विवेक और उसकी पत्नी के फिंगरप्रिंट्स हैं, जो एकदम क्लियर है। साकी के फिंगरप्रिंट्स एकदम स्पष्ट हैं, सब मिल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ग्लव्स पहन करके दरवाजा खोला और बंद किया। प्लानिंग के साथ खून किया गया ताकि सबूत ही ना मिले। काम करते हैं, इस विवेक के घर में जितने भी लोग हैं उन सबसे अलग अलग स्टेटमेंट लेते हैं, सबसे पूछताछ करते हैं कि उस रात हुआ क्या था। खूनी ने अंधेरे का फायदा उठाया है, अब हम भी अंधेरे में निशाना लगाएंगे। सर, जब ये खून हो रहा होगा तो वो खूनी अंदर ही होगा सर। जैसे ही वीणा बाहर गई उसने खून कर दिया। ये थ्योरी हो सकती है पंकज, अगर लाइट नहीं गई होती तो फिर सब दो खूनी होंगे, एक लाइट ऑपरेट कर रहा होगा और अंदर खून कर रहा होगा। मगर जिसने लाइट ऑफ करी वो कहाँ था? वहां पे तो गार्ड खड़ा था, उसने बोला ना उसने किसी को अंदर आते देखा, ना कोई बाहर गया। सर लेकिन जब वीणा बाहर गई थी तो उसने दरवाजा खुला हुआ देखा था सर, तो हो सकता है कि दरवाजे के ऊपर उसकी उंगली के निशान हो। खूनी यहाँ भी चालाक निकला। सर के साहब ने बताया ना, यहाँ कमरे के अंदर हमें एक भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, एक भी। उसने हैंड ग्लव्स पहने होंगे सर, इसलिए शायद नहीं मिले। हैंड ग्लव्स तो पहने ही होंगे। विवेक की बॉडी यहाँ पड़ी थी, मतलब यहाँ कहीं खड़ा होगा। एक मिनट यहाँ खड़े होना जरा। खूनी जब अंदर आया तो दरवाजा खुला हुआ था, जैसे ही लाइट गई खूनी अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया, अंधेरे में उसने विवेक का खून कर दिया, क्योंकि जब लोकेश आया था तो ये दरवाजा अंदर से बंद था। हाँ सर, खूनी अंदर ही होगा सर। करेक्ट। और जैसे ही लोकेश दरवाजा खोल के आया, खूनी चुपके से यहाँ से निकल गया। लेकिन अगर खूनी यहाँ से गया है तो लोकेश तो यहीं खड़ा था, उसे तो दिखना चाहिए था ना खूनी। लोकेश का कहना है उसने सिर्फ यहाँ पे विवेक की बॉडी देखी थी, खूनी उसे नजर नहीं आया। सर ये लोकेश है ना, ये झूठ बोल रहा है सर। लगता तो नहीं है। इंटरोगेशन में अच्छे अच्छे झूठ बोलने वाले ना लड़खड़ाने लगते हैं, उनकी जबान कांपने लगती है। ऐसा लगता नहीं है वो झूठ बोल रहा है। तो फिर कौन है ये आदमी? वीना ने उसे महसूस किया, लोकेश ने उसे महसूस किया, लेकिन देखा नहीं। सर आप मरने से पहले विवेक ने जिस नंबर पे फोन किया था वो नंबर एक दिन पहले चोरी हो गया था और अब वो अनअवेलेबल आ रहा है। अनअवेलेबल है तो जरूर पप्पन का होगा, दया पप्पन का नंबर होगा। क्या पता चला उसके बारे में? सर पूरी ट्रेस कर रही है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक कर रही है सर, बहुत जल्द पता चल जाएगा। यही है, यही है सर। हाँ सर ये देखिए सर, हमारे रिकॉर्ड्स में तो कई सारे पप्पन हैं, लेकिन वीना के बताए अनुसार ये वही आदमी जिसकी हमें तलाश है। सर ये वही आदमी है जिसे मैंने विवेक के साथ देखा था। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो ये मुजरिम बहुत ही खतरनाक है सर, खूनी है। और अगर विवेक ने इसे पैसे दिए हैं तो जरूर खून किया होगा इसने। और अभी ये बेल पे बाहर है और पुलिस स्टेशन पे हाजिरी देने के लिए जाता है रोज। कौन से पुलिस स्टेशन में जाता है ये हाजिरी देने के लिए? सर यहाँ से पास हो गया। सब्जी ले लो भाई, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। सर पप्पन यहाँ से निकल गया। ले भैया तेरा ठेला संभाल ले। उसको उधर ही रोक के रख, चाहे वो रोए या हंसे तुम उसकी चिंता मत कर। जब तक वो हमारे पास है बाजी हमारे हाथ में है। तुम लोग मेरा इंतजार करो और कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये चिड़ी का गुलाम तुम्हारी तरफ गया था, देखना जरा। ऐसा लगा हमारा इनविटेशन भरत साहब। देखो देखो आप लोग जो कोई भी हो, मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं आप लोगों से रहम की भीख मांगता हूँ, रहम। ओके ओके फाइन, एक काम करो, मुझे तुम यहाँ पर रोक लो लेकिन लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। मुझे ना तो तुम चाहिए ना तुम्हारा बेटा। मैं चाहता हूँ कि तुम विवेक सर की बेट पास करो। विवेक सर खुश तो मैं खुश। ये पॉसिबल नहीं है। मैं इंडियन मिनिस्ट्री में एक एम्प्लॉय हूं, माना कि सारे कॉन्ट्रैक्ट मेरे जरिए पास होते, लेकिन मैं ऐसे ही किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे पास करवा दूं सर? मिस्टर भरत तुम ना मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो। तुम्हारे बेटे के साथ क्या हो सकता है तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। सपने में तुम भी नहीं सोच सकते कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कुत्ते की तुम कभी सुधरेगा नहीं। तुम जमानत पे बाहर आए और ऐसा कांड कर रहा है। अब अंदर जाएगा ना तो बाहर नहीं आएगा। सर मैं मिनिस्ट्री की तरफ से काम कर रहा था, जितनी भी सील बिड इंडियन फर्म्स की तरफ से होती है उसका इंचार्ज था मैं। चीनी और जापानी कंपनियों के पास अपने देश में नीलामी का कार्यालय था, लेकिन सभी भारतीय बोलियां उनके पास आई। किसी विदेशी कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्ट मिला था क्या? नहीं सर, इसके बारे में सभी की कॉमन राय थी, क्योंकि भारतीयों के पास चीप लेबर और रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था, इसलिए दूसरी विदेशी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलना मुश्किल था सर। सर इस नीलामी का चक्कर तो समझ में आ गया। इस विवेक ने नीलामी को अपने फेवर में करने के लिए इनके बेटे को किडनैप किया, मगर विवेक को किसने मारा होगा और क्यों? ये काम तो जरूर किसी इंडियन कंपनी का ही है जो विवेक का कॉम्पिटिटर था, इसी चक्कर में हुआ ये सर। वो लिस्ट लाए ना आप जो विवेक के अलावा इंडियन मीडियर्स थे? ये सर जैसा आपने कहा था आपके अकॉर्डिंग ये मैंने लिस्ट तैयार की। थैंक यू। कार्तिक, विवेक, इन दोनों के अलावा राकेश, प्रमेश, शिवानी, रॉनी और नवीन। अच्छा भरत जी, इनमें से आपको कौन लगता है जो विवेक के खिलाफ बोली लगाने वाला सबसे ज्यादा? सर, यानी ऐसा कोई आदमी जो विवेक के ये बिड जीतने से दुखी हो या फिर उसे कोई नुकसान हो? सर, ऐसे तो दो लोग हो सकते हैं, रोनी और नवीन। रोनी और नवीन, तो फिर मिल लो इस रोनी और नवीन से, पूछताछ करो उनसे, पता तो चले है कौन ऐसा जो बिना दिखे भी खून कर सकता है। जी कहिए, किससे मिलना है? रॉनी साहब को बोलो सीआईडी वाले आए। सर, लाइट चली गई? मैं पता लगाता हूँ लाइट। नहीं मिस्टर रॉनी, आप बाहर नहीं जाएंगे, अभी तो रुकिए, आपकी जान को खतरा है। ये वही खूनी हो सकता है। सिक्योरिटी! रॉनी, आप हिलना मत। सिक्योरिटी! सर, यहाँ कोई है। कोई है? सर, यहाँ कौन है? इधर कौन है? मिस्टर रॉनी, आप हिलना मत। सर, मैं देखता हूँ, देखो। पंकज! ओह नो, रॉनी! साहब, सबको क्या हुआ? एक मिनट। He is no more. बाहर जाते हुए कोई दिखा था क्या? नहीं सर, मैं वहाँ जंक्शन पे गया, लाइट ऑन की और देखा कि हमारा दूसरा सिक्योरिटी गेट के पास बेहोश पड़ा हुआ है और मैं अंदर आ गया सर। हेलो सर, हम रॉनी को बचा नहीं पाए। He's dead. ऐसा कैसे हो सकता है अभिजीत? खून तुम्हारे सामने हुआ और तुम कह रहे हो कि तुमने खूनी को देखा तक नहीं? हाँ सर, पहले तो हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रहे थे, पर यहाँ तो हम लोग वहाँ मौजूद थे सर, कोई नहीं दिखा। मतलब विवेक के खून की जैसा? हाँ सर। ये किस तरह का खूनी है सर? जो है मगर दिखाई नहीं देता। वही तो, पर इतना पक्का है कि मैंने वहाँ पे कुछ शैडो जैसी देखी थी, कुछ अजीब सी। आई मीन, एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा है मगर। सर के यार, फोटो से कुछ पता चल रहा है तुझे? बॉस, लगा हुआ तो हूँ, शायद कुछ हाथ लग जाए, लेकिन एक बात पक्की है, ये खून भी वैसे ही हुआ है जैसे इससे पहले को खून हुआ है। ये देखो, बस ये देखो, यहाँ फोटो में ये हल्की सी रोशनी में ये कुछ आकृति दिखाई दे रही है, शैडो जैसी, बिना आकार के। ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सालू के साथ मैं पहले से कह रहा था, ये जरूर कोई आत्मा है। सर, वो जो कोई भी था, मैंने उसे महसूस किया था सर, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो हाथ में ही नहीं है। देखो यार, ये आत्मा कुछ नहीं होता। बॉस, ये क्या है, ये अभी तक पता नहीं लगा पाया। सर, ये किस किस्म का हथियार इस्तेमाल किया इस खूनी ने? ये है बॉस, ये हथियार है, इसे शूरीकेन कहते हैं बॉस। शूरीकेन? तो इस तरह का हथियार तो मैंने मार्शल आर्ट्स वाली फिल्मों में देखा है। अरे, इसे तो वो निंजाज यूज करते हैं, वो निंजा। सर, ये जापानीज हथियार है, निंजाज इस टाइप के हथियार इस्तेमाल करते हैं। जापान, निंजा, और ये ऑक्शन भी जापान में होने वाला है सर, तो कहीं इन सबका कनेक्शन जापान से तो नहीं? बिल्कुल है, जापान से कनेक्शन है। इस राकेश से मिलना पड़ेगा, वही गया था ना जापान किसी डील के बारे में बात करने। राकेश, तुम विवेक के पार्टनर हो, है ना? तो तुम तो जरूर जानते होंगे कि विवेक ने बिड हासिल करने के लिए पप्पन नाम के किसी गुंडे को हायर किया था, भरत के बेटे को किडनैप करने के लिए, है ना? नहीं सर, इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात और पार्टनर को पता नहीं? सर, वो मुझसे काफी बातें छुपाता था, इसीलिए बिजनेस में भी लॉस हो रहा था। वो इतना बेताब रहता था कि लॉस कवर करने के लिए वो क्या क्या करता था और कहाँ कहाँ जाता था मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। अच्छा, वैसे आप जापान गए थे ना विवेक के खून से पहले? हाँ गया था। क्या करने गए थे आप? ऑलरेडी प्रोजेक्ट का मामला था, इसके लिए मैं जापान गया था, मगर विवेक यहीं से सारे ऑपरेशन हैंडल कर रहा था। ऑयल का प्रोजेक्ट? तो क्या क्या प्रोजेक्ट था, जरा डिटेल में बताओ तो सही। जापान में एक द्वीप है जिसे ऐतिहासिक और पवित्र माना जाता है। वहाँ के लोग ऑलरिक प्रोजेक्ट को लगाने के लिए मना कर रहे थे। पवित्र समंती द्वीप? क्या पवित्र है उस आइलैंड में? कुछ पुराने योद्धाओं को वहाँ पे दफनाया गया था, जैसे समुराइज, रॉनिन्स और निंजास। समुराई, रॉनिन, निंजास, पुराने योद्धाओं को दफना दिया था वहाँ पर। सर ये कोई इत्तेफाक है या कुछ और? ये जो निंजास है ये पुराने दौर के हथियारे थे सर जापान में, पर आज भी काफ़ी लोग इन लोगों को मानते हैं। तो वो लोग नहीं चाहते होंगे कि उस जगह पे ये ऑयल ड्रिलिंग हो और उन लोगों ने इन्हें। हाँ हो सकता है दया, हो सकता है, पर ये भी तो हो सकता है कि इन लोगों की आपसी दुश्मनी, कोई बिजनेस राइवल। चलिए नवीन तो नहीं हो सकता क्योंकि जब दूसरा खून हुआ तब मैं और पूर्वी उसी के साथ थे। तो फिर ये बचे तीन बिडर्स, शिवानी, प्रमेश और कार्तिक, तीनों को बुला लेते हैं यहाँ पर। कार्तिक, प्रमेश, शिवानी, तो तुम तीन भारतीय थे विवेक के साथ बिड करने में जापान में, मगर डील हमारे हाथ में आई नहीं और इसी वजह से विवेक और रॉनी का खून हुआ है। कार्तिक आप कहाँ थे जब ये दोनों खून हुए? सर मैं मीटिंग में ही था, आप मेरे एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं सर। और प्रमेश? सर मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ और सर इसके गवाह सर वो अफसर हैं, और सर जिस वक्त खून हुआ मैं उनका साथी था सर। ये भी तो हो सकता है ना, ये खून तुम लोगों ने करवाया? सर हम क्यों खून करवाने लगे, सब अपने अपने नसीब का खाते हैं सर। और डील नहीं हुई तो क्या हुआ सर, कभी ना कभी कोई ना कोई डील तो हो ही जाएगी। वैसे आप कहाँ थे शिवानी जब ये खून हुआ? सर मैं जापान गई थी। और क्या करने गई थी आप जापान में? सर एक मजबूरी आ गई थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? सर कुछ विदेशी कंपनियां हमारी भारतीय कंपनियों के बारे में गलत अफवाहें उड़ा रही थी, उसी वजह से भारतीय कंपनियों को बहुत ही चिंता हो रही थी। तो हम वहाँ उनकी चिंता दूर करने गए थे और ये बताने गए थे कि भारतीय कंपनियाँ सबसे बेहतर होती हैं। और वैसे भी सर हमने अपनी बिड्स विड्रॉ कर ली थी, तो फिर हम क्यों मारेंगे उन्हें? और बिड्स विड्रॉ करने की कोई खास वजह? सर वजह सर ये थी कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में सब टेंशन नहीं चाहते हैं और सब हम लोग किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं चाहते हैं। सर हम लोग को सर जो भी मिल रहा है सर हम उतने में खुश हैं। सर अब तो ये नवीन ही बचा, इसने तो बिड भी वापस नहीं लिया। तो कहीं नवीन ने तो नहीं ये सब किया? या फिर ये भी तो हो सकता है कि अगला शिकार नवीन ही हो। नवीन तुमने बिड क्यों नहीं कैंसिल की जब सारे लोग पीछे हट गए थे? ऐसे कैसे मैं पीछे हट जाता? इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए मैंने कितने महीनों मेहनत की है पता है तुम्हें का? मुझे लगा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में आ गया तो मेरी सारी दुनिया बदल जाएगी। अब तो दुनिया से जाने की ही नौबत आ गई है। तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? डरने की कोई बात नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। सीआईडी की पूरी टीम हमारे साथ है। अरे सीआईडी वालों के सामने वो मार के चला गया और सीआईडी वाले क्या किए? कुछ नहीं कर पाए वो। सीआईडी की टीम पे भरोसा रखो तुम, हमें कुछ नहीं होगा। पंकज तुम्हें पता है ना हमें क्या करना है? डोंट वरी आई नो, मैं आता हूँ। ये है वो जंक्शन बॉक्स जिसके वजह से सारा पंगा हो रहा है। मैं देखता हूं ये कौन है। ये जगह सही है। नवीन, ये लाइट को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो आ गया है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको प्लीज रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स हो जाइए। नवीन, सामने आओ। वो तुम्हें मार डालेगा। अरे नहीं। कौन है यहाँ पे? आप लोग ठीक है? हाँ? सर, मैंने वहाँ पर 6 गोलियाँ चलाई थी। उनमें से 5 गोलियाँ तो मिल गई, मगर एक गोली उस खूनी को जरूर लगी है। एक गोली खूनी को लगी है? तो बोलने तुम यकीन नहीं साथ कैसे कह सकती हो कि 6 में से एक गोली खूनी को लगी है? क्या वहाँ पे कोई खून वगैरह गिरा था? नहीं सर, खून तो नहीं था वहाँ पर, लेकिन गोली लगने की आवाज़ जरूर आई थी। अगर गोली लगी है तो खून तो निकलेगा ही। घर के अंदर ना सही तो घर के बाहर कहीं मिला? नहीं सर, हमने अच्छे से चेक किया था, वहां पर खून था ही नहीं। हो सकता है सर खूनी ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखी हो। और सर ये भी तो हो सकता है कि ये काला उस बुलेट प्रूफ वेस्ट का टुकड़ा हो। सर क्या इस काले कपड़े के टुकड़े से कुछ पता चल रहा है तुझे? नहीं बॉस, इस कपड़े पर से भी खून के ट्रेसेस तो नहीं मिले। खून के अलावा कुछ मिला तुझे? हाँ, ये कपड़ा इतना काला है कि विश्वास नहीं होता है। इस पर से कोई भी रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता है। रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता मतलब ये फ्रेडी कि जब आप किसी भी चीज पर लाइट डालते हैं तो वो लाइट थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में आती है। इसी से पता चलता है कि क्या चीज है, उसका कलर क्या है, ये सब कुछ। लेकिन इस कपड़े पर अगर आप लाइट डालेंगे तो रिफ्लेक्ट होगी ही नहीं। इस कपड़े पे लाइट मारेंगे तो ये कपड़ा दिखेगा नहीं ना। मैं दिखाता हूं, ये देखो, ये यहाँ पर ये लाइट है। अब हम इसे ट्रैवल करते हैं इस कपड़े पर, और ये देखो लाइट कहाँ है आप। माय गॉड, मतलब इस कपड़े ने सारी की सारी लाइट एब्जॉर्व कर ली। और ये देखो कपड़े से बाहर आए तो फिर से लाइट दिखाई देना शुरू हो गई। अजीब कपड़ा है, पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। पता ही नहीं चल रहा था कपड़ा है कि नहीं। सड़क के नवीन की जान को खतरा है, जो भी है जल्दी बता दे। बॉस मैं जानता हूं कि ये क्या है और खून कैसे हुआ है। शिखा, क्या हुआ तुम्हें? क्यों इतनी परेशान लग रही हो? हमें कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ। कैसे रिलैक्स हो जाओ? तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे शिखा, मैंने बोला हमें कुछ नहीं होगा। नवीन, ये लाइट कैसे चली गई? अरे नवीन वो आ गया है। कोई नहीं आया। वो तुम्हें मार डालेगा। एक गिलास दूध अपने हाथों से लेकर आ जाओ, सारी थकान दूर हो जाएगी। अच्छा, अभी लेकर आती हूँ। प्लीज, थैंक यू। मैंने सोचा नहीं था कि कोई मुझे भी पकड़ सकेगा। हमने भी नहीं सोचा था कि एक पत्नी अपने पति का खून कर देगी। अपराधी चाहे जितना दिमाग लगाकर अपराध को अंजाम दे, कहीं ना कहीं उससे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। मैंने तो कोई गलती नहीं करी, फिर भी आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। नहीं, गलती हुई तुमसे। ये कपड़ा पहन के तुमने बहुत अकलमंदी दिखाई थी, लेकिन इस कपड़े का टुकड़ा हमें खिड़की में से मिल गया, और खिड़की पे फंसा हुआ वो कपड़ा हमारे लिए सबूत बन गया, और उसी कपड़े की वजह से तुम हमारे पकड़ में आ गई। ये कैसा कपड़ा है सर? मैंने इसके बारे में पहले सिर्फ सुना था बॉस, मुझे पता नहीं था कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी इस तरीके से। इसे जिस जिस व्यक्ति ने बनाया उसने अपने हिसाब से इसको नाम दिया, लेकिन एक बात पक्की है, ये दुनिया की सबसे ज्यादा काली चीज है। मैं तो कुछ समझा नहीं। सीधे तरीके से ये बात है फ्रेडी, कि अगर इस कपड़े का कोई सूट बना करके पहन लेगा वो व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देगा तब तक जब तक कि उसके आसपास की सारी लाइट्स एलिमिनेट ना हो जाए। वो दिखाई नहीं देगा, अगर दिखाई देगा तो सिर्फ एक आकृति दिखाई देगी, एक छाया, वो भी बिना किसी रूप के। ये एक 3D से 2D में बदल जाने की प्रक्रिया है। अरे सर, कोई तो लाइट होगी जिससे ये दिखे। ऐसी कोई लाइट नहीं है, ना इंफ्रारेड लाइट, ना यूवी लाइट, ना ही लाइट स्पेक्ट्रम। अभिजीत, नवीन से कहो कि वो बिड विड्रॉ ना करें और ये इंफॉर्मेशन सब में फैला दो। सर, इस बात के फैलते ही उस पर फिर से हमला हो सकता है। यही तो हम चाहते हैं पूर्वी, यही तो हम चाहते हैं। ये ब्लैक फैब्रिक लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। हीट को तो रिफ्लेक्ट करेगा ही। हम खूनी को पकड़ेंगे थर्मल विजन से। पता चल गया ना किस तरह से इस काली ड्रेस की वजह से तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अब जल्दी से बताओ, अपने पति का खून क्यों किया तुमने? नफरत थी मुझे उससे, उसकी बीवी कहलाते हुए भी मुझे शर्म आती थी। क्यों? ऐसा क्या करता था वो कि तुम्हें इतनी नफरत थी? ये जो बिजनेस था मेरे पापा ने उसे दिया था, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके दिया उसे, और वो उसे मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा था। गुंडों के बदौलत कॉन्ट्रैक्ट लेता था। तुम्हारा मतलब है कि वो खुद अपना बिजनेस खराब कर रहा था? कर नहीं रहा था, कर दिया था। मेरी फैमिली बैंकरप्सी की गिनती में थी। बिजनेस खराब चल रहा था तो उसे बातचीत कर दी, उसे समझा दी, उसे जान से मार दिया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर वो नहीं समझा, और मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे मेरे बच्चों के बारे में सोचना था, उन्हें तो मैं भूखा नहीं मार सकती। तो इसलिए सारा बिजनेस तुमने अपने हाथ में ले लिया? हाँ, मैंने जापान की एक कंपनी को अप्रोच किया था छिपकर, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट और पैसों के बदले मैंने तय किया कि भारतीय कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर कोई बोली ना लगा सके, और इसीलिए मैंने सभी बोली लगाने वालों को मारने का प्लान किया। और उन्हें मारने के लिए ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जो निंजा से इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ। क्या मिला ये सब करके? जेल। जिन बच्चों के लिए तुमने गुनाह का रास्ता अपनाया, अब वो बेचारे अनाथ हो जाएंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.